अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी कश्मारा मलिक और आप देख रहे हैं मास्टर जी नेटवर्क। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज की अपडेट्स आपको मिलती रहें। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर फोर। ओके, इसमें हमने क्या करना है बेसिकली, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है, जो भी ऑपरेशन आपको गिवन होगा आपने उसको अप्लाई करना है और आंसर निकाल लेना है। ठीक है, लेट्स सपोज इसमें प्लस का साइन गिवन है, इसमें भी प्लस का साइन गिवन है। इट्स मीन हमने इन मैट्रिक्स को जस्ट ऐड अप करना है। देखिए ऐड अप कैसे करेंगे, हमें तीन मैट्रिक्स गिवन है, 1, 2 एंड 3। तो ये देखें आप, जहाँ राउंड ब्रैकेट स्टार्ट होंगे वो दो मैट्रिक्स आपने पहले सॉल्व कर लेनी है, तीसरी आपने बाद में इसको ऐड करना है। ठीक है, अब राउंड ब्रैकेट इन दो पे है तो इट्स मीन ये दो मैट्रिक्स पहले सॉल्व होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें और इसमें साइन कौन सा है, प्लस का, तो जस्ट हमने ऐड करना है 1 + 0, 0 + 3, 0 + 2, 1 + 0। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हमने ऐड कर लिए, तीसरी मैट्रिक्स जो होगी वो एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब जैसे इनको ऐड कर लें, 1 + 0, 1, 0 + 3, 3, 0 + 2, 2, 1 + 0, 1। ये हमारी दो मैट्रिक्स ऐड होके एक हो गई है, ये एज इट इज़ आ जाएगी। अब फिर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, इट्स मीन ये दो ऐड होंगी, अगेन ऐड कर लेंगे 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 1 + 0। ठीक है, जस्ट सिंपल ऐड कर लें, 1 + 1, 2, 2 + 1, 3, 3 + 1, 4, 1 + 0, 1। ये हमारा मैट्रिक्स और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सिंपल है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट की है जो हमने आंसर निकाला, जिन स्टेप से हमने किया एज इट इज़, इसका पार्ट नंबर 6 भी एज इट इज़ होगा, कोई चेंजिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो ये आप खुद कर लीजिएगा, डू इट योर सेल्फ। ठीक है, कोई मसला भी नहीं होगा, सेम एज इट इज इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे देखें प्लस है, यहाँ पे माइनस है, लेकिन ब्रैकेट हमारे पास कहाँ पे, राउंड ब्रैकेट इन दो मैट्रिक्स पे है, तो पहले ये दो मैट्रिक्स सॉल्व होंगे, ये एज इट इज चलेगा, ये बाद में सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, अब पहला मैट्रिक्स एज इट इज आप उतार लेंगे और इन दो मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। अब बीच में साइन कौन सा है, माइनस का, तो इट्स मीन पहले माइनस होगा, 0 - 1, 2 - 1, 3 - 1, 0 - 0। ठीक है, ये हो गया हमारा, फिर इसको एज इट इज उतार लेंगे। अब इसको माइनस कर लें आप, 0 - 1, - 1, 3 - 1, 2, 2 - 1, 1, 0 - 0, 0। ठीक है, अब ये दो मैट्रिक्स हमारी वन मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स के साइन किया बीच में प्लस का, तो ये हम ऐड अप कर लेंगे, 1 + 1 + अब यहाँ माइनस है तो ये -1, 0 + 2, 0 + 1, 1 + 0। ठीक है, अब 1 + -, ये 1 हो गया, 0 + 1 एज इट इज, 1 + 0, 0 + 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सिंपल 1 - 1 कैंसिल, 0 आंसर, 0 + 2, 2 हो जाएगा, 0 + 1, 1 हो जाएगा, 1 + 0, 1 हो जाएगा, दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट, ठीक है, अब देखें राउंड ब्रैकेट कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसमें पहले ये पार्ट सॉल्व होगा। ठीक है, पहला हम एज इट इज उतार लेंगे, ये उतार लिया हमने, अब इसको और इसको सॉल्व करें, बीच में कौन सा ऑपरेशन है हमारे पास, माइनस का, तो हम माइनस करेंगे, 1 - 2, 0 - 2, 2 - 2। ठीक है, अब ये फिर एज इट इज आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब
वन माइनस टू आंसर क्या आएगा, माइनस वन, जीरो माइनस टू माइनस टू, टू माइनस टू कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, तो फैक्ट कैंसिल हो गया, आंसर जीरो हो गया। अब बन गया हमारी एक मैट्रिक्स, दो हो गई हैं, फिर अगेन आप बीच में क्या साइन है प्लस का, तो इन दो मैट्रिक्स को हम एडअप कर लेंगे, टू प्लस माइनस वन, थ्री प्लस माइनस टू, वन प्लस ज़ीरो, ठीक है। अब टू प्लस माइनस माइनस वन, थ्री प्लस माइनस माइनस टू, वन प्लस ज़ीरो, अब ये हमारा आंसर आ जाएगा, टू माइनस वन वन हो जाएगा, थ्री माइनस टू वन हो जाएगा, वन प्लस ज़ीरो वन हो जाएगा, वन वन वन, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा फोर्थ पार्ट, इसमें भी प्लस का है, दो ही मैट्रिक्स हैं, कोई राउंड ब्रैकेट नहीं, तो इसमें ये सिंपल हमारा एडअप हो जाएगा, वन प्लस वन, टू प्लस वन, थ्री प्लस वन, ठीक है, माइनस वन प्लस टू, माइनस वन प्लस टू, माइनस वन प्लस टू, ज़ीरो प्लस थ्री, वन प्लस थ्री, टू प्लस थ्री, ठीक है। अब जस्ट सिंपल आप इनको एडअप कर लें, वन प्लस वन टू हो जाएगा, माइनस वन प्लस टू वन हो जाएगा, ज़ीरो प्लस थ्री हमारे पास थ्री हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री, माइनस वन प्लस टू वन हो जाएगा, वन प्लस थ्री फोर हो जाएगा, थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा, माइनस वन प्लस टू वन हो जाएगा, टू प्लस थ्री हमारे पास फाइव हो जाएगा, दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, सॉल्व पार्ट फाइव, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है। इसमें भी दो ही मैट्रिक्स हमें गिवन है, सिंपल प्लस करने कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, सिंपलीफाई कर लें आप, वन प्लस वन, टू प्लस माइनस टू प्लस माइनस टू, ठीक है। जब डबल साइन आता है तो हमें ब्रैकेट लगाना लाजमी होता है, थ्री प्लस ज़ीरो, ठीक है। अब इस पर आ जाएं, टू प्लस ज़ीरो, थ्री प्लस माइनस वन, वन प्लस टू, ठीक है। थर्ड पे आ जाएं, थ्री प्लस माइनस टू, टू प्लस ज़ीरो, वन प्लस माइनस वन, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, वन प्लस वन, टू प्लस माइनस, माइनस हो गया ये टू आ गया, थ्री प्लस ज़ीरो, टू प्लस ज़ीरो, थ्री प्लस माइनस माइनस वन, वन प्लस टू, थ्री प्लस माइनस माइनस टू, टू प्लस ज़ीरो, वन प्लस माइनस माइनस वन, ठीक है। अब हो जाएगा सिंप्लीफाई, वन प्लस वन, टू, टू माइनस टू, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो गया, आंसर ज़ीरो हो गया, थ्री प्लस ज़ीरो थ्री हो गया, टू प्लस ज़ीरो टू हो गया, थ्री माइनस वन टू हो गया, वन प्लस टू थ्री हो गया, थ्री माइनस टू वन हो गया, टू प्लस ज़ीरो टू हो गया, वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन कैंसिल प्लस ज़ीरो, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट सॉल्व हो गया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट क्लियर होगा। अगर फर्दर कोई क्वेश्चन या क्यूरी होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।